तो चलिए बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के बारे में। 2 जनवरी 2002 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरदना कस्बे में सलावा और केली गांव में स्थापित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग, ध्यान रखिएगा, 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान बताया गया था। और इस खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिलिंग ट्रैक सहित खेलों के जो है आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जाएगी। विश्वविद्यालय में निशानेबाजी, स्क्वाश, भारोत्तोलन, तीरंदाजी सहित कई अन्य जो है खेल जो भी होते हैं उनकी भी सुविधाएं आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और लास्ट इसका जो पॉइंट बनता है कि विश्वविद्यालय में 540 महिलाएं और 540 पुरुष जो खिलाड़ी होंगे उनको प्रशिक्षण जो है इसके अंदर दिया जा सकेगा। संख्या को वापस दोहरा लेता हूं, टोटली 540 वुमेन्स एंड 540 जो है मेंस जो आपके कैंडिडेट होंगे स्पोर्ट्समैन उनको यहां पर जो है प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। तो आप सभी को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और ये पढ़ाने की जो तकनीक है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आज इस वीडियो के ऊपर दबा के फुल लाइक्स कीजिए, फुल शेयर कीजिए और 30,000 सब्सक्राइबर स्पेशल, आप सभी के लिए स्पेशल कोर्स जो है इसी वे में लॉन्च किए जाएंगे। एक बार आप सभी जो है जो भी क्लासेस को देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको आने वाले सारे वीडियोज इसी पद्धति पर आधारित होने चाहिए। अगर आपका हाँ रहता है जवाब तो हम आने वाले सारे आपके करंट अफेयर्स और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक जो हैं कोशिश पूरी की पूरी करेंगे कि इसी वे में आपको पढ़ाएं। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।